नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ क्लासेज काउंट से रामनाथ साड़िया आपके सामने आज एक मैं नया टॉपिक लिख रहा हूँ जिसका नाम है संधि। देखो साथियों, ये संधि जो है वो कैसे बनती है। संधि दो वर्णों के मेल से बने हैं, दो वर्णों के मेल से बनती है। दो वर्ण कौन से हैं? एक तो है सम और दूसरा है धी। समय धने दी। देखो सम का शाब्दिक अर्थ है, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह। अच्छी तरह। और धी का मतलब होता है परिधि, अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ है दो वर्णों की अच्छी तरह से परिधि में आना, या हम इसको ये कह सकते हैं कि दो वर्णों को अच्छी तरीके से परिधि में, यानी परिधि का मतलब घेरा होता है कि दो वर्णों को अच्छी तरीके से अपने घेरे में लाना। वहां पर क्या होता है? संधि होती है। और संधि जो होती है वो हमेशा आपको पता है कि ध्वनियों, दो ध्वनियों में ही संधि होती है। और दो ध्वनियों में जब संधि होती है तो उनमें विकार या परिवर्तन होना संभव है। जब तक विकार या परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो संधि है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि संधि की संधि विच्छेद कीजिए, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था तो संधि शब्द की संधि विच्छेद होगी, तो आपने क्या लिखा? समय धने धी, ये इसकी संधि विच्छेद है। इससे पहले एक पटवार परीक्षा में एक एग्जाम और क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन है कि संधि शब्द का संधि शब्द कौन सी संधि है, संधि में कौन सी संधि है। अब इसमें कौन सी संधि होगी बताओ, स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी? संधि तीन तो है ना, तो इसमें कौन सी संधि है भाई बताइए। देखिए इसमें स्वर संधि नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो क्या है व्यंजन, और व्यंजन और ये क्या है है। तो व्यंजन और स्वर है। जबकि स्वर संधि की यदि बात करें तो स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। लेकिन यहां पर ये पहला जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, और व्यंजन होने के कारण से ये व्यंजन संधि है। ध्यान रखना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप, कि स्वर संधि मतलब संधि में कौन सी संधि है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि ही होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि जो संधि, देखो संस्कृत में संधि तीन होती है भाई, संस्कृत में तीन प्रकार की संधि होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि नंबर दो, व्यंजन संधि नंबर तीन, विसर्ग संधि। ये तीनों संस्कृत की संधि है, और तीनों संस्कृत की संधि होने के कारण से हिंदी में भी जो है इन्हीं तीनों संधियों को स्वीकार किया गया है। हिंदी में ये तीनों संधियां हैं। अब हिंदी में जो ये तीनों संधियां हैं इसके रूप आगे हैं। अब इनमें
ये जो स्वर संधि है इसमें भेद पड़ जाएंगे, व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होंगे और विसर्ग संधि में भी नहीं होंगे। तो ये संधि कैसे बनती है? देखो एक बात का ध्यान रखना, यौगिक शब्दों की ही संधि बनती है, जो यौगिक शब्द होंगे उनकी संधि बनती है। और संधि जो है इसमें देखो समास, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, आदि से जो रहित हो जाते हैं या हीन होने के बाद में जो शब्द बचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिसमें प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, समास रहित हो जाए या इनमें जो आगे और जो पीछे लगे हुए जो शब्द हैं उन शब्दों को हम हटा दें, तो हटाने के बाद में जो शब्द बच जाते हैं शेष उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और उसी में धातु जो है धातु की कभी संधि नहीं होती है, धातु की कभी भी संधि नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि धातु के टुकड़े नहीं किए जा सकते। कर सकते हो कि धातु के टुकड़े आप कभी नहीं होंगे, धातु में कभी भी टुकड़े नहीं होते हैं, और जहां पर टुकड़े नहीं होंगे तो वहां पर संधि नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखो कई बार क्या होता है, संयोग हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोग। संयोग, संयोग में क्या होता है कि शब्द जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, दो उन दोनों वर्णों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि संधि में परिवर्तन होना अनिवार्य है। जब तक संधि में परिवर्तन नहीं होगा या अधिकार नहीं होगा तब तक उसको संधि नहीं कह सकते। अब हम संयोग की बात करें, जैसे अन्य धन उपस्थित, अब इसका क्या हो जाएगा? अनुपस्थित।